मनाली हिमाचल प्रदेश के सबसे फेवरेट टूरिस्ट प्लेस में एक है। इसे और सबसे खूबसूरत बनाता है यहाँ का पहाड़ी कल्चर, जो यहाँ के लोगों ने आज तक प्रिजर्व करके रखा है। हर साल टूरिस्ट मनाली घूमने के लिए आते हैं और लेकर जाते हैं बहुत सारी मीठी यादें, जो उन्हें हमेशा याद रहती हैं। तो चलिए आज चलते हैं मनाली से शिशु स्नो पॉइंट की जर्नी पर वाया अटल टनल होते हुए, जो मनाली से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। शिशु विलेज हिमाचल के लाहौल स्पीति का एक छोटा सा गांव है। मनाली से अटल टनल का ये रास्ता गुजरता है खूबसूरत सोलांग वैली होते हुए, जो एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है पूरे हिमाचल प्रदेश का। सोलांग वैली क्वाइट पॉपुलर है एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए और नेचुरल ब्यूटी के लिए। यहाँ से माउंटेन का सीनिक व्यू बहुत ही अमेजिंग और ज़बरदस्त दिखता है। सोलांग वैली से अटल टनल की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है और ये है बेहद खूबसूरत और अमेजिंग अटल टनल, जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर बना सबसे लंबा टनल है, जिसकी लंबाई लगभग 9 किलोमीटर है। मनाली से अटल टनल और शिशु विलेज बाई बस 1 घंटे की जर्नी करके पहुंचा जा सकता है, जिसका फेयर लगभग 90 रुपीज है और बसेस हमेशा अवेलेबल रहती है मनाली से अटल टनल और अटल टनल से मनाली के लिए 1 घंटे के इंटरवल पर। और ये अमेजिंग खूबसूरत ब्रिज बना है चंद्रा रिवर पर, जो आगे जाके भागा रिवर से मिलती है और बन जाती है चंद्रा भागा, जो आगे पाकिस्तान की ओर जाती है चिनाब नदी बनकर। ये अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल है, जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में आता है। अटल टनल के पास 2 स्नो टूरिस्ट पॉइंट है घूमने के लिए। पहला शिशु विलेज, जो केलोंग के हाईवे में आता है। दूसरा कोक्सर विलेज, जो रोहतांग पास के हाईवे में आता है, और दोनों की दूरी अटल टनल से लगभग 6 किलोमीटर के आसपास है। अर्ली विंटर के टाइम में, अक्टूबर और नवंबर के महीने में, मनाली के पास लाहौल वैली में शिशु और कोक्सर के पास स्नोफॉल देखने को मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे बसा हुआ विलेज है और स्नोफॉल यहाँ पर मनाली से काफ़ी पहले ही हो जाता है। शिशु विलेज में अर्ली विंटर में पहुंचकर स्नोफॉल का मज़ा लिया जा सकता है और नेचुरल ब्यूटी को भी देखा जा सकता है। तो अगर मनाली अर्ली विंटर घूमने आए तो शिशु स्नो पॉइंट लाहौल स्पीति का एक फेवरेट स्नो पॉइंट है विंटर के टाइम में घूमने के लिए। लाहौल वैली का ये लैंडस्केप इतना अमेजिंग है कि शायद ही पूरे हिमाचल में कहीं और भी देखने को मिलेगा। तो अगर मनाली आए विंटर के टाइम में तो इस स्नो पॉइंट को अपने बकेट लिस्ट में ज़रूर रखें एक्सप्लोर करने के लिए। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।